knowledge park, the creative school, school for quality and innovative education. Embark Constructions, all types of buildings, house, shop. Haji Builders and Developers, beautiful home for sale with all facilities. Assalamu alaikum, namaskar. मैं सैयद अमजद, आप देख रहे हैं BK News. AJ Sadashiv आयोग समवाय समिति की ओर से यात्री निवास बसों कल्याण में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दलित रिजर्वेशन को लेकर जारी किए गए जज AJ Sadashiv आयोग की बताई गई रिपोर्ट को जल्द ही अमल में लाया जाए. नेगलेक्ट करने पर रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ धरना दिया जाएगा. समवाय समिति के स्टेट प्रेसिडेंट मुतन्ना वाय बेनूर ने बात करते हुए बताया कि दलितों के संख्या के हिसाब से इंसाफ देते हुए जज AJ Sadashiv आयोग ने नोटिस जारी करने पर कोई पार्टी वाले इंटरेस्ट नहीं दिखाया. AJ Sadashiv आयोग की रिपोर्ट को अमल में लाने के लिए बहुत सालों से कोशिश करने पर भी कांग्रेस, बीजेपी और JDS गवर्नमेंट ने अब तक रिक्वेस्ट को रिसीव नहीं किया. मडिगा ढंडोरा होराटा समिति के वर्किंग प्रेसिडेंट फर्नांडिस हिप्पलगांव ने बात करते हुए कहा कि गवर्नमेंट इस बार हमारी मांग ना सुनने पर आने वाले इलेक्शन में हमारे समाज सरकार से विरोध करने का फैसला किया है. आज के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के पत्रकार संघों, न्यायमूर्ति AJ Sadashiv आयोग होराटा समिति और मडिगा ढंडोरा होराटा समिति जंटी पत्रिकोष्ठी और से कर्नाटक राज्य में सालों से जो ना AJ Sadashiv आयोग होराटक समिति से जो होराट चल रहा है 25 साल से, अभी तक जो है ना ये समाज को न्याय नहीं मिले, इसलिए सुमार अनेक साल से होराट चल रहे हैं. तो इसके तरफ से आज हमारे AJ Sadashiv आयोग के राज्याध्यक्ष मुतन्ना बेनूर के नेतृत्व में और मडिगा ढंडोरा होराटा समिति से जंटी जो पत्रिका गोष्ठी बुलाए गए. तो कर्नाटक राज्य में आने वाले चंद दिन में 25 साल से जो हम निरंतर जो है ना संगठन की तरफ से होराट कर रहे हैं, AJ Sadashiv आएगा अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो तो आने वाले दिसंबर 11 तारीख को हमें कर्नाटक में जो छेड़ेगल अधिवेशन में बहुत बड़ा पैमाना पे सुमार 8-10 लाख जो पब्लिक जमा करके और हमारे जो ग्राउंड है बिल्डिंग में हम पे बड़ा समावेश करने का तय लिया है. और ये सरकार को हम चेतावनी देते हैं, अगर इस अधिवेशन में अगर Sadashiv आयोग जारी नहीं होते तो आने वाले दिनों में और सार्वत्रिक जो इलेक्शन में जो है ना ये मडिगा समाज टोटली आप लोगों को नेग्लेक्ट करके आप लोगों को जो हराने का हम कोशिश तय करते हैं. PU College, College for Commerce and CA aspirants with well qualified and experienced teaching staff in Baso Kalyan. Admissions are open. Baso Kalyan MLA B. Narayan Rao के निधन के बाद बिदर DC रामचंद्रन R को Baso Kalyan Development Officer का additional charge दिया गया था. 5 अक्टूबर 2020 को Government of Karnataka ने एक notification जारी किया जिसमें Dr. HR Mahadeo IAS Commissioner को Special Officer Baso Kalyan Development Authority का post दिया गया है और तुरंत रामचंद्रन आर को एडिशनल चार्ज से रिलीव किया गया है. हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए.